कॉन्सेप्ट पे एक रॉड है, ये रॉड है, अगर मैं इस रॉड को एक वॉल से और ये इस तरह से मूव कर रहा है, और इस मोशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो रॉड है ये ग्राउंड से ऐसे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो पॉइंट है वो नीचे आ रहा है और ये पॉइंट आगे जा रहा है, ठीक है। अब अगर किसी पॉइंट का, इस पॉइंट का स्पीड दिया हो और इस पॉइंट का स्पीड निकालना हो किसी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट स्पीड अलग अलग होगी, थीटा अलग अलग होगा, ठीक है, तो स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर इस पॉइंट की स्पीड दिया हो तो इस पॉइंट की स्पीड मैं निकालने की कोशिश करूँगा या निकालूंगा, ठीक है, पूरा इस तरह से रॉड है फॉल कर रहा है कि एक इंड अगर आगे जा रहा है तो ये वाली जो इंड है वो यहाँ से ये समझ रहे हो ना यार, ठीक है, तो ये फॉल करेगा तो इस टाइप से कुछ मोशन होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब उसमें से दोनों आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको पसंद आए, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। तो पहला जो मेथड है वो आप कैलकुलस से भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर हम स्ट्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए उसके लिए भी लगाएंगे। स्ट्रिंग के लिए नहीं लगेगा, रॉड रोप और कई वाले ब्लॉग में भी कहीं भी कहीं कहीं लग जाता है, ठीक है ना। चलो, सो ये रॉड ऑफ लेंथ एल, अगर रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, क्लियर है, ऑन ए रेस्ट ऑन ए वॉल एंड द फ्लोर, ठीक है, इट्स लोअर एंड ए इज पुल्ड टुवर्ड लेफ्ट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी ये इधर इधर जा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड यू से, और ये किसी इंस्टेंट थीटा डिग्री है, ठीक है ना। डाउन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर इंड बी डाउन व्हेन द मैक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल, जब जो है किसी इंस्टेंट थीटा 30, 40, 60 या जनरल थीटा होगा, तो ये वाली जो पॉइंट है वो कितनी स्पीड से आएगी, उसको मैं वी डैश मान लेता हूँ, बी पॉइंट, तो इस बी पॉइंट की स्पीड निकालनी है, ठीक है ना, बी पॉइंट की स्पीड निकालनी है, ए पॉइंट की स्पीड दिया हुआ यू, ठीक है। तो देखो, पहला तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, वो जो पहला मेथड है वो फर्स्ट मेथड है, वो फर्स्ट मेथड आप बिना स्ट्रिंग वाले से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर मान लो किसी इंस्टेंट ये x है और ये y है, ठीक है, ये वाली जो y है और ये जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू l का स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रॉड। अब अगर मैं इसको स्पीड निकालना, तो स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ये जो लेंथ कितनी कितनी तेजी से बढ़ रही है घट रही है वही इस पॉइंट का लेंथ देगा। देखो, ये जो लेंथ है वही इस पॉइंट का स्पीड, ये जो लेंथ है अगर लेंथ बहुत फास्ट चेंज हो रहा है एक्स, तो वही इसका स्पीड देगा। मतलब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, तो 2x dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज, समझ रहे ना, रेट ऑफ चेंज ये इंक्रीज हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, और माइनस dy by dt घट रहा है, तो -2y और dy अपॉन dt, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो लेंथ है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि ये लेंथ, रॉड का लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये, तो अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ, तो ये जो आ जाएगा 2 खत्म हो गया, और dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt ये वाली लेंथ कितनी फास्ट चेंज हो रही है, दिस लेंथ ग्राउंड वाली, ठीक है, और यही स्पीड u है, मतलब x u, और इधर आ जाएगा y, और ये आ जाएगा dy upon dt, हाउ फास्ट दिस लेंथ इज डिक्रीजिंग, और यही स्पीड v डैश है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x अपॉन y, और मल्टीप्लाई कर दूं u, व्हाट इज x अपॉन y, ठीक है, x अपॉन y इज इक्वल टू tan थीटा, देख रहे हो, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो x अपॉन y इज इक्वल टू cot थीटा, तो u cot थीटा v डैश, तो v डैश की वैल्यू जो है u cot थीटा के इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि यू कॉट थीटा के इक्वल होगा। अगर ये बात समझ में आए तो अब जो हम स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे हम करते हैं, ठीक ना। जो हम लोग पढ़ के आए थे कि स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग रिमेंस सेम, तो मैं उस वाले से अब करता हूँ, वो ज़्यादा आसान है और मैं उसी को यूज करूँगा, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है, स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग्स रिमेंस सेम, ठीक है। अगर एक रॉड है, समझना, ये रॉड है और ये रॉड किसी इंस्टेंट, ये रॉड किसी इंस्टेंट थीटा डिग्री पे है, इस इंड की स्पीड यू है और इस इंड की स्पीड वी डैश है जो हमें निकालना है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है एल, वो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, अभी हम लोग पढ़ के आए रॉड के अलोंग जो है, रॉड के अलोंग कौन वाली लाइन है, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन बना रहा हूँ, दिस इज अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द रॉड, इस लाइन के अलोंग जो भी स्पीड आएगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली जो स्पीड है, दिस स्पीड यू है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो यू का एक कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा इधर आ गया रॉड के अलोंग, ठीक है। जो ऐसे जा रहा था उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, और इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो यू साइन थीटा, जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो वी है वो देखो, वी नीचे आ रहा, तो अगर ये थीटा है तो ये वाली कितनी हो गई यार, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये बॉल 90 डिग्री पर है, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो वी डैश का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, वी डैश कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब वी डैश साइन थीटा इधर आ जाएगा, और एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा वी डैश कॉस थीटा, ठीक ना, ये वाली चीज, तो ये 90 माइनस थीटा पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी डैश साइन थीटा है और यू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, बिकॉज अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ है, तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी डैश साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि वी डैश की वैल्यू यू कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बस हमें फटा